क्वेश्चन में आप लोगों का हेडलाइंस दे रखा है फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज एन 31 मार्च 2000 ईयर इज गिवन 2000 समथिंग आप लिखना है इन द बुक्स ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च करेंट ईयर। मैंने क्वेश्चन मार्क दिया, आपको करेंट ईयर लिखना है और डेबिट क्रेडिट दोनों साइड। दिस इज ए लेजर इन केस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। इस इन केस ऑफ अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस दिस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर और अमाउंट, क्रेडिट साइड में इनकम और अमाउंट। हम रिसीट साइड देखेंगे, इसमें स्टार्टिंग में दे रखा है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश इन हैंड 60,000 40,000, कैश एट बैंक 1,55,500। ये दोनों वर्किंग नोट में कैपिटल फंड निकालने के लिए बैलेंस शीट में एसेट साइड में आएंगे। सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर का 12,000 है, वो बैलेंस शीट में ट्रीट होगा। करेंट ईयर का 2,65,000, इसको हम इनकम साइड में लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 2,65,000। ये करेंट ईयर के लिए इतना मिला है। और एडजस्टमेंट वन पढ़ो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एन 31 मार्च ऑफ लास्ट ईयर 20,000 एंड करेंट ईयर का 15,000, तो बाय सब्सक्रिप्शन रुपीज 2,65,000 एड आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का 15,000। लास्ट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000 था, करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 15,000 है। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के साथ आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का सब्सक्रिप्शन ऐड करेंगे तो होगा 2,80,000। ये हो गया हमारा करेंट ईयर का इनकम सब्सक्रिप्शन के हेड। नेक्स्ट होता है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 12,500, यह हमारा क्लब का रिन्यू इनकम है सोसाइटी का। गवर्नमेंट ग्रांट ये भी रेवेन्यू इनकम है, इसको इनकम में लिखो, एक एक पढ़ो एक एक लिखो बाय गवर्नमेंट ग्रांट। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर बुक वैल्यू 50,000, 37,500 में 37,000 में बेचा। 13,000 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर एक्सपेंडिचर में आएगा। देन इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन एफडी, तो इनकम में लिखो इंटरेस्ट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट 4,500। पेमेंट साइड देखो, फोर्थ आइटम फिक्स डिपॉजिट विथ बैंक 1,80,000। अब 1,80,000 का 10% सेप्टेम्बर 30 से मार्च 31, 6 महीने के लिए निकालो, दैट इज 9,000। तो लिखो अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी, अक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट मिलेगा एफडी पे, इंटरेस्ट मिलेगा, अक्रू हो चुका है मिला नहीं, ऐड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी 9,000। 1,80,000 का 10% का 6 महीने का 9,000, 9,000 का 4,500 मिल चुका है और 4,500 मिलेगा, दोनों को मिलाकर 9,000 इंटरेस्ट अक्रूड ऑन एफडी। टोटल इंटरेस्ट मिलने वाला था 9,000, 4,500 मिल चुका है, 4,500 मिलेगा। ये अक्रूड इंटरेस्ट बैलेंस शीट के एसेट में आएगा करंट ईयर का। देन एक्सपेंडिचर, पेमेंट साइड में जाओ देखो, जनरल एक्सपेंसेस 32,000 लिखो, न्यूज पेपर 18,500 नेक्स्ट है उसको लिखो, इलेक्ट्रिसिटी 30,000, इलेक्ट्रिसिटी 30,000 लिखो। और इसके बाद लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, 50,000 का फर्नीचर 37,000 में बेचा, तो लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर व्हाट एवर द केस में, तो दैट इज 13,000। 50,000 माइनस 37,000, 13,000 लॉस हो गया, प्रॉफिट होता तो इनकम में आता। देन बुक्स फिक्स डिपॉजिट तो करेंट ईयर का बैलेंस शीट में आएगा, बुक्स करेंट ईयर के बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का बैलेंस के साथ ऐड हो जाएगा,
सैलरी 36,000 लिखो, सैलरी 36,000 एक्सपेंडिचर में, पेमेंट्स को एक्सपेंडिचर में उतारो टू सैलरी, एडजस्टमेंट टू पढ़ो, सैलरी आउटस्टैंडिंग रुपीज 6,000 फॉर लास्ट ईयर, एड आउटस्टैंडिंग, सैलरी दिया 36 नहीं दिया 6, तो टोटल सैलरी इज 42 इज द एक्सपेंडिचर ऑफ द करेंट ईयर। सैलरी 36,000 पे कर दिया, करेंट ईयर के लिए आउटस्टैंडिंग है 6,000, क्वेश्चन मार्क, देन टू सैलरी एड आउटस्टैंडिंग फॉर सैलरीज करेंट ईयर का एड करके 42,000 आ गया। देन आपका रेंट, यहाँ पे एडजस्टमेंट, रेंट तो पेमेंट साइड में दे रखा है, उसको लिखो 65,000 अंदर। एडजस्टमेंट में लिखा है 1 month रेंट पेड इन एडवांस, 65,000 टोटल रेंट पे किया 13 महीने के लिए, क्योंकि 1 month एडवांस उसी के अंदर है, 12 महीने का पे करे, 1 महीने का एडवांस पे करे, तो 65,000 बाई 13 जितना आया, उसके साथ लेस प्रीपेड, लेस एडवांस रेंट, लेस प्रीपेड रेंट और एडवांस रेंट, 65,000 का रेंट है 13 महीने के लिए, क्योंकि 1 month एडवांस पे करे, तो 13 महीने का रेंट है 65,000। 1 month का रेंट कितना है, 65,000 बाई 13, 1 महीने का एडवांस पे क्या है, 65,000 बाई 13 इंटू 1, 5,000, टू रेंट 65,000 लेस एडवांस रेंट 5,000, तो आ गया 60,000, दिस इज टू रेंट करेंट ईयर का 60,000, मंथली रेंट 5,000, 12 महीने इंटू 5,000, 60,000 हो गया। नेक्स्ट वन इज पोस्टल चार्जेस, इसी के नेक्स्ट में दे रखे पोस्टल चार्जेस, रेंट के बाद 3,000 उसको लिख दो। फर्नीचर परचेज्ड बैलेंस शीट में ऐड करो, कैश इन हैंड कैश एट बैंक करेंट ईयर का बैलेंस शीट में दिखाओ। तो फिलहाल हमारा जो लास्ट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिटेन ऑफ, मैं आपको बताता हूं, आपके सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर का 20,000 दे रखा है, फर्स्ट एडजस्टमेंट में 20,000 दे रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर, और रिसीट साइड में लिखा है कि पिछले साल के लिए 12,000 मिल गया, 20,000 से 12,000 मिला तो नहीं मिला 8,000, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 8,000, क्योंकि 20 से 12 मिला, 8 नहीं मिला, क्योंकि लास्ट ईयर लोगों ने दिया नहीं था 20,000, पूरा इसी साल में ओनली 12,000 मिला, बाकी जो 8,000 नहीं मिला शायद वो नहीं देंगे, 2 साल के बाद उधारी कौन पे करेगा, वो मेंबर नहीं रहेंगे, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ 20,000 से 12,000 गया, तो 8,000 हम उसको राइट अप कर दिया, हम भूल गए कि सब्सक्रिप्शन होएगा ही नहीं, टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ उसको राइट अप कर देंगे एक्सपेंडिचर में कि और ये मिलेगा नहीं, या इसके दो तरीके होते, ये एक टाइप का ट्रीटमेंट है, और दूसरा होता है कि करेंट ईयर के बैलेंस शीट में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करेंट ईयर 15,000 जो दे रखा है एडजस्टमेंट 1 में, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर लास्ट ईयर 20 से 12 मिल गया 8,000, वो भी ट्रीटमेंट ठीक है, ये भी ट्रीटमेंट ठीक है, बोथ आर इक्वली करेक्ट, आप कैसे भी मर्जी कर लो। देन आप क्रेडिट साइड का टोटल करो 4,21,500, डेबिट साइड में उतारो, उससे सारे एक्सपेंडिचर माइनस करके आएगा टू सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज टू सरप्लस, तो ये जो सरप्लस आया डिफरेंस, इसको बैलेंस शीट में कैपिटल फंड के साथ ऐड कर देंगे, तो बैलेंस शीट बनाओ, बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज एट 31st March ऑफ द करेंट ईयर, लाइबिलिटीज अमाउंट एंड असेट्स एंड अमाउंट लिखो, असेट साइड में लिखो कैश इन हैंड 30,000, बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखो कैश इन हैंड 30,000 और कैश एट बैंक 82,000, ये बैलेंस के डाउन वाला है, क्लोजिंग कैश एंड क्लोजिंग बैंक, ये करेंट ईयर का बैलेंस है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर क्वेश्चन मार्क मीन्स करेंट ईयर 15,000 एडजस्टमेंट 1 में है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन 1, देन एडवांस रेंट हमने जो पे किया है आने वाले साल के लिए 5,000 एडवांस रेंट 5,000, नेक्स्ट वन इज 10% फिक्स डिपोजिट पेमेंट साइड में है
10% फिक्स डिपॉजिट पेमेंट साइड में है 1,80,000। देन एक्रूड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 9,000 का रहा था, 4,500 मिल चुका है और 4,500 का मिलेगा एक्रूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट। देन फर्नीचर 1,20,000 का एडजस्टमेंट 3 में दे रखा है लास्ट ईयर का, उसके साथ उससे हमने लेस कर देंगे 50,000 का फर्नीचर जो बुक वैल्यू में बेच दी, लेस सोल्ड एट बुक वैल्यू। 50,000 का फर्नीचर 37,000 में बेचा तो 50,000 ही माइनस करेंगे बुक वैल्यू, फिर एड परचेज्ड खरीदा पेमेंट साइड में दे रखा है एड फर्नीचर परचेज्ड 1,05,000, टोटल आया फाइनल कॉलम में 1,75,000। दिस इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ फर्नीचर। फिर एसेट साइड में लिखेंगे बुक्स 50,000, बुक्स 50,000 और बुक से हमने बेच दिया 50,000 का बुक लास्ट ईयर का था और बेचा नहीं, खरीदा 70,000 का, पेमेंट ऑफ बुक्स फिफ्थ आइटम इन द पेमेंट साइड, पेमेंट फॉर बुक्स 70 का और खरीदा तो 50 + 70 1,20,000 द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बुक्स। अभी बैलेंस शीट का एसेट साइड टैली कर देंगे 6,11,500 टोटल कर देंगे और लाइबिलिटी साइड में जाएंगे, लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी फॉर लास्ट ईयर फॉर करेंट ईयर, क्वेश्चन मार्क मीन्स करेंट ईयर 6,000। देन एडजस्टमेंट 1, देन एडजस्टमेंट 2, एडवांस सब्सक्रिप्शन 5,000 रिसीट साइड में दे रखा है, 2 सब्सक्रिप्शन में थर्ड आइटम 5,000 एडवांस सब्सक्रिप्शन। देन नेक्स्ट वन है कैपिटल फंड, कैपिटल फंड आपके, आप वर्किंग नोट में जाओ और वर्किंग नोट में बनाओ बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट में जो बनेगा बैलेंस शीट ऑफ द क्लब, तो ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ और ओपनिंग बैलेंस शीट से आप निकालो सरप्लस, ये कैपिटल फंड वही से सरप्लस, कैपिटल फंड ओपनिंग बैलेंस शीट से निकला है, सरप्लस इनकम एंड एक्सपेंडिचर में निकल चुका है। कैसे निकालेंगे ना, दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ अ रूरल लिटरेसी सोसाइटी एज एट 31st March ऑफ लास्ट ईयर। वी हैव लाइबिलिटीज रूपी सिंबल, एसेट्स रूपी सिंबल, हम एसेट साइड में लिखेंगे कैश इन हैंड 40,000 बैलेंस ब्रेकडाउन वाला, फिर बैंक बैलेंस 155,500, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एडजस्टमेंट 1 में 20,000 दे रखा है, फर्नीचर एंड बुक्स दोनों एडजस्टमेंट 3 में दे रखा है 120 और 50, टोटल 3,85,000 और कैपिटल फंड 3,85,000। इसी कैपिटल फंड को हमने इस बैलेंस में उतारा, रफ से निकाल के लिख दिया। फिर आ जाओ बैलेंस शीट में, एड सरप्लस, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था उसका सरप्लस है 2,15,000, ये दोनों को ऐड करके फाइनल कल में लिखेंगे 6,500, दोनों साइड टोटल करेंगे, इट विल बी लाइक दिस 6,11,500। देन वर्किंग नोट में बैलेंस शीट ऑफ रूरल लिटरारी सोसाइटी, लिटरेसी सोसाइटी आज आर 31st March ऑफ द लास्ट ईयर, लाइबिलिटीज अमाउंट एंड एसेट्स एंड अमाउंट, एसेट साइड में 2 बैलेंस ब्रट डाउन रिसीट साइड का, कैश इन हैंड 40,000, कैश एट बैंक 1,55,500, देन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 20,000, सब्सक्रिप्शन जो मिलेगा एडजस्टमेंट 1 का मतलब लास्ट ईयर का है 20,000, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो लास्ट ईयर का वो लिखेंगे। इसके बाद फर्नीचर लास्ट ईयर का लास्ट एडजस्टमेंट में दे रखा है 1,20,000 वो भी लिखेंगे, और बुक्स 50,000 लास्ट ईयर का है वो भी लिखेंगे, टोटल कर देंगे 3,85,000, इसको लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे 3,85,000 और लाइबिलिटीज में आएगा कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड 3,85,000 एंड दिस इज द फाइनल आंसर। If you like my way of teaching, so please share, subscribe and like my videos.